7 दिनों में खुद को बदल डालो। हाँ, ये थोड़ा फिल्मी लग रहा है, लेकिन सच में हमारे पास इतना पावर है कि हम अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। सो दोस्तों, इमेजिन करो, आपके सामने एक चैलेंज है, एक गोल है, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपने सुना होगा, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, लेकिन कैसे करें ये चेंज, ये आज हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आम इंसान की जिसका नाम है अनन्या। अनन्या एक दिन डिसाइड करती है कि वह अपनी लाइफ को 7 दिनों में बदल देगी। उसके पास कोई बड़ी रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसमें डिटर्मिनेशन है, एक चिंगारी सी जो कहती है कि वो कुछ भी कर सकती है। अब डे 1, अनन्या डिसाइड करती है कि वो अपने दिन का शेड्यूल बदल देगी। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करती है। अब डे 2, वो अपने नेगेटिव हैबिट्स को आइडेंटिफाई करती है, चाय की जगह ग्रीन टी पीने का फैसला करती है और अपने फ़ोन पर टाइम लिमिट सेट करती है। डे 3, अनन्या अपने गोल्स को लिखती है। वो डिसाइड करती है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है और उसके लिए डेली स्मॉल स्टेप लेना शुरू करती है। डे 4, अनन्या अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड लाने का फैसला करती है। हर दिन वो लिखती है कुछ छोटे या बड़ी चीज़ें जो उसके लिए स्पेशल है। डे 5, वो अपने सराउंडिंग को चेंज करती है। अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो तो आपका भी मूड और प्रोस्पेक्टिव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। डे 6, अनन्या सोशल मीडिया यूज़ करना कम करती है। वो रियलाइज करती है कि किस चीज़ पर कितना टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है और वो अपने प्रायोरिटीज़ को समझ जाती है। डे 7, द फाइनल डे, अनन्या को लगता है कि वो एक नई इंसान बन गई है। उसने नॉट ओनली अपनी हैबिट चेंज किए बल्कि अपने माइंडसेट में भी 360 डिग्री का टर्न लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे एवरीडे लाइफ का स्मॉल चेंज के बारे में है। कभी कभी हमें लगता है कि बड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन असल मैजिक छोटे छोटे कदम उठाने में होता है। तो याद रखो दोस्तों, 7 दिनों में बदल डालो खुद को, अपने गोल्स को डिफाइन करो, स्मॉल चेंजेस लाओ और धीरे धीरे देखो कैसे आपकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल जाती है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, और अपने 7 दिनों में अपने आप को डिस्कवर करो।